बीते 24 दिसंबर को अज्ञात चोरों के द्वारा जल जीवन मिशन के द्वारा बिछाए जा रहे एलएनटी पाइपों के चोरी की रिपोर्ट कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा सिग्रामपुर चौकी में की गई थी, जिसके चलते चौकी प्रभारी एस आर रिचारिया ने टीम के साथ अज्ञात चोरों की पतासाजी शुरू की। इसी दौरान अलोनी के जंगलों में दबिश दी गई। मौके से 9 क्विंटल 4 इंच पाइप, एक पिकअप वाहन क्रमांक CG13D7075 जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2,50,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेंद्र पिता मूलचंद यादव उम्र 38 वर्ष निवासी सिंहपुर, राजेश पिता प्रतमोद सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी भजिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवीरा थाना प्रभारी के निर्देशन में चौकी प्रभारी द्वारा यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आरक्षक राम मोहन यादव, नारायण NRS धर्मेंद्र की प्रमुख भूमिका रही। मालूमों की आरोपियों के कब्जे से 9 क्विंटल 4 इंची पाइप पकड़े गए हैं। 3 स्थानों से कुल 27 क्विंटल 4 इंच साइज के पाइप पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत 3,20,000 रुपये बताई जा रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए निवेश जैन की रिपोर्ट। तुरकारी गांव में से भी 3 रोल 9 क्विंटल 1,20,000 जब्त किए गए। इसके पश्चात इन्होंने इसी वाहन से चोरी कर सामान गोबरा और सिंहपुर के साइटों से जल नल योजना का उठाया और उसको ले जाके पिकअप को साइडों पर पटका। कल भी उनसे माल जब्त हुआ है। कुल मशरूम का टोटल कीमती 3,55,000 और पिकअप वाहन जब्त किया गया है। उक्त कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में की गई है और पुलिस को ये